हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हलवा पराठा। तो चलिए देखते कैसे बनाया है इसे। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप बारीक जो सूजी होती है उसको ले लिया। तो इसको यहाँ इसको हमें अच्छे से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेना है। तो यहाँ पे सूजी को मैंने अच्छे से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लिया है। अभी हम इसमें आधा कप के करीब घी ऐड कर देंगे इसमें। तो घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और घी में हमें सूजी को अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है धीमी आंच पे। तो जब तक हमारी सूजी जो है वो भून रही है, तब तक यहाँ पे मैंने एक लिक्विड बना लिया है जो जिसे हमें सूजी में डालना है। तो मैंने 1 कप सूजी के लिए 4 कप का ये लिक्विड बना लिया है, जिसमें 3 कप पानी और 1 कप दूध ले लिया है। तो इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें शक्कर को ऐड कर देंगे। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप शक्कर ऐड लिया है, उसको डाल देंगे इसमें। अभी हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए शक्कर जो है वो अच्छे से इसमें घुल गई है। तो अभी हम इसको बंद कर देंगे और अभी हम सूजी को देख लेंगे। तो यहाँ पे सूजी को मैंने अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए घी में भून लिया है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। अभी हम इसमें जो हमारा दूध और पानी का जो मिक्सचर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी ये जो शक्कर और दूध पानी का जो मिक्सचर है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सारा पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिए सारा जो पानी और दूध का मिक्सचर है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी विद इन मिनट ये एकदम ऐसे थिक हो जाएगा, इतना रनी नहीं रहेगा। तो ये देखिए विद इन मिनट जो पूरा लिक्विड था वो सूजी ने पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा जो हलवा है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अभी हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी ऐड कर देंगे ताकि हलवे को एक अच्छी शाइन आ जाए। जिसे मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू और बादाम ले लिया है कट करके। फिर हम इसमें टूटी फ्रूटी को ऐड कर देंगे और चेरीज ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऐसे हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार है। अभी हम पराठे बना लेते हैं इसके साथ के। तो पराठे के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। अभी हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। फिर हमें इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल को ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच दही को ऐड कर देंगे। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब दूध ले लिया है। तो दूध ऐड करके हम इसे गूंथ लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए 1/2 कप जो दूध मैंने लिया था उसे मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है और ऑलमोस्ट ये उससे गूंथ गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पूरा अच्छे से एक सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे इसका। तो ये देखिए आटा अच्छे से गूंथ लिया है। अभी हम इसमें 1 चम्मच तेल ऐड करके इसे अच्छे से और 5 से 6 मिनट के लिए गूंथ लेंगे।
तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसे गूथ लिया है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पे छोड़ देंगे, फिर हम इसके पराठे बना लेंगे। तो आटे को मैंने अच्छे से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है और अभी इसके ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अभी हम इसका पराठा बना लेंगे। तो हाथों की मदद से ही हमें इसे अच्छे से फैला लेना है। तो ये देखिए अच्छे से हाथों से ही मैंने इसे बड़ा कर लिया है। अभी हम इसमें घी लगा लेंगे थोड़ा सा, फिर हमें इसे एक साइड से सेंटर से कट लगा लेना है और इसे ऐसे फोल्ड करना है। फिर इसको ऐसे दबा देना है। अभी वापस से हमें इसे हाथों की मदद से अच्छे से फैला लेना है और इसे बड़ा कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने हाथों की मदद से इसे गोल ऐसे थोड़ा शेप दे दिया है। अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे तेल में डाल के। अच्छे से इसे हमें दोनों साइड से ब्राउन क्रिस्पी लेयर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए अच्छे से मैंने फ्लिप कर लिया है, एक साइड से अच्छे से ब्राउन कवर आ गया है इस पर। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना है, अंदर तक इसे पक जाना चाहिए। तो ऐसे हमारा हलवा पराठा जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और एकदम फ्लफी ऐसा स्मूथ हलवा बना है। तो ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।